हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंकित टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से वीडियो को बनाना चाहते हैं अपने फोन में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं कि सोशल वीडियो कैसे बना सकते हैं फोन में। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि सोशल वीडियो आपको कैसे बनाना है अपने फोन से। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले काइनमास्ट एप्लीकेशन में ओपन हो जाना होगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक कर लेना होगा एंड आपको फर्स्ट साइज को सिलेक्ट कर लेना होगा। फर्स्ट साइज को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से मीडिया में चले जाना है और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड को चूज करके सही कर लेना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको नीचे में बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है एंड इसका साइज जो है आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद हमें आगे आ जाना है फ्रेंड्स। आगे आ जाने के बाद लेयर पर क्लिक कर लेना है एंड आपको मीडिया में चले जाना है। ठीक है, लेयर पर क्लिक करके आप मीडिया में चले जाइएगा। उसके बाद मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तब से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो ले आने के बाद आपको सब फुल स्क्रीन इस तरह से कर लेना है। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते क्रोमा की क्या ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उसके ऊपर आपको क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल कर लेने के बाद आपको यहाँ से की कलर में जाना है एंड यहाँ से आपको ब्लू कलर को सेलेक्ट करके सही कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सही करके लेयर पे फिर से क्लिक कर लेना है एंड आपको फिर से यहाँ से मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आपको अपने फ़ोटो को जो सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप भी अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे साइड से इसे भी बढ़ा देना है। ठीक है, बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको मास्क को इनेबल कर लेना है एंड आपको स्पेस पे चले जाना है। स्पेस में जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक हो जाने के बाद आपको अच्छे से इसे गोल कर लेना है। ठीक है, गोल कर लेने के बाद आपको फोटो जो है अच्छे से बीच में लगा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से फिर से बैक हो जाना है एंड आपको यहाँ से इसको इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है आपको, अच्छे से इसमें बैठा लेना है। बैठा लेने के बाद आपको क्या करना है, डिलीट के नीचे थ्री डॉट आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको सेंड टू बैक कर देना है इस फोटो को। ठीक है, सेंड टू बैक कर लेने के बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद फिर से मिलियर पर क्लिक करना है एंड मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आप दूसरे फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, दूसरे फोटो को भी मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरे फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से बढ़ा देना है पूरा नीचे साइड से इसको भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आना है एंड क्रॉपिंग वाले पे आ जाना है। फिर से क्रॉपिंग वाले पे आने के बाद यहाँ से मास्क को इनेबल कर देना है एंड स्पेस में चले जाना है। स्पेस में जाने के बाद फिर से हमें उस को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद अच्छे से गोल बना लेना है एंड आपको अपने फ़ोटो को जो है बीच में रख लेना है। ठीक है, हम लोग बीच में रख लेते हैं अपने फ़ोटो को, थोड़ा सा हम लोग इसको बीच में रख लेंगे करके इस तरह से बीच में करके आपको फिर से बैक हो जाना है। और बैक हो जाने के बाद आपको इसको यहाँ पे ले आना है। ले आने के बाद इसे बड़ा कर लेना है। ठीक है, लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर लेने के बाद आपको फिर से थ्री रोड पे जाना है एंड इस फोटो को भी सेंड टू बैक कर लेना है। सेंड टू बैक कर लेने के बाद आपको इसे अच्छे से यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, बड़ा छोटा करके आपको अच्छे से यहाँ पर लगा लेना है। फ़ोटो को लगा लेने के बाद आपको यहाँ से सही कर लेना है और सही कर लेने के बाद आपको 3 सेकंड 4 सेकंड तक आपको वीडियो को बढ़ा लेना है। ठीक है, वीडियो को बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड कर देना है, यानी अपने नाम को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको टेक्स्ट पे चले जाना है। और टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको अपने नाम को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद आपको डबल ए पे आ जाना है। उसके बाद अपने हिसाब से कोई एक फॉन्ट रख लीजिएगा आप, उसके बाद यहाँ से सही कर लेना है। अब सही कर लेने के बाद आपको यहाँ से कलर वाले पे चले जाना है। कलर वाले पे जाने के बाद आपको अपने हिसाब से कोई एक कलर रख लेना है, उसके बाद यहाँ से सही कर लेना है। फ्रेंड्स, सही कर लेने के बाद आपको यहाँ से इन एमिनेशन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ से लेटर बाय लेटर या तो फिर वी प्राइट पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है और बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से शैडो पे क्लिक कर लेना है एंड आपको यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे देना है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई दूसरा यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ,
इस बार मैं इनको सिलेक्ट करके सही कर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को बढ़ा लेना है इस तरह से। बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है अच्छे से, ठीक है। टेक्स्ट को लगा लेने के बाद आपको नीचे साइड से इसे भी बड़ा कर देना है, ठीक है, पूरा बढ़ा लेना है। बढ़ा लेने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है कि सही कर लेना है। सही कर लेने के बाद आपको इस तरह से अपने दूसरे टेक्स्ट को भी आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ से आईडी वाले पे क्लिक करना है। आईडी वाले पे क्लिक करने के बाद आपको अपने हिसाब से कोई आईडी लगाना है तो लगा लीजिएगा। और रही बात इस आईडी को म्यूट करना है कैसे, तो म्यूट करने के लिए मैं बता देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से स्पीकर वाले पे चले जाइएगा। स्पीकर वाले पे जाने के बाद आपको इसका जो है वॉल्यूम इस तरह से म्यूट कर देना है। म्यूट कर लेने के बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके सामने इस तरह से आएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ से सेलर बटन पर क्लिक करना होगा एंड इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आपका वीडियो जो है सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए जय हिंद वंदे मातरम।